असलकम कैसे हैं आप सब? ओके okay, बच्चों, आज हम लोग करेंगे पेज नंबर 158 का क्वेश्चन नंबर फोर अब तक आप लोगों ने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर फाइंड आउट करना सीखा है तो आज ये देखिए उन्होंने हमें एक ये शेप दी हुई है इफ़ ईच ऑफ these शेप इज मेड अप ऑफ टेन स्क्वेयर्स ये उन्होंने हमें एक ग्रिड दिया हुआ है अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखें अपनी अपनी बुक्स पे ये देखें यहाँ पे उन्होंने हमें ओके तो ये देखें ये उन्होंने आपको एक ग्रिड दी हुई है और ग्रिड के अंदर उन्होंने आपको आ, शेप्स दी हुई है थ्री शेप्स हैं और हर शेप टेन स्क्वेयर्स हैं अगर आप ये देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो इसी तरह बी में भी टेन है और सी में भी टेन है वो कह रहे हैं कि आपने इनको इनके देखने हैं कि आ, आ, किसका पैरीमीटर पहले तो सबका आपने पैरीमीटर फाइंड आउट करना है कि इसका क्या पैरीमीटर है देन आपने आ, ये बताना है पार्ट ए है कैलकुलेट द पैरीमीटर पार्ट बी है विच हैज़ द ग्रेटेस्ट एंड विच हैज़ द स्मॉलेस्ट किसका का पेरीमीटर सबसे ज़्यादा है और किसका पेरीमीटर सबसे थोड़ा है स्मॉल है ठीक है so, सो हम इसको पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं इधर से काउंट करना शुरू करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सो इसका पेरीमीटर कितना हो गया ए का सिक्सटीन ठीक है उसके बाद अब हम बी का काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन सो so, बी का कितना पेरीमीटर uh, है फोर्टीन सेंटीमीटर अब सी का काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन सी का कितना है एटीन सेंटीमीटर सो पार्ट ए हमने तो कर लिया कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप शेप का ये हमारे पास क्या आ गया पेरीमीटर और अब हमारा पार्ट बी क्या है विच हैज द ग्रेटेस्ट पैरीमीटर सो ग्रेटेस्ट पैरीमीटर किसका है ये मैं आप लोगों को कह रही आप लोगों के लिए मैं छोड़ रही हूँ आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन से पार्ट कौन सी शेप का ए बी सी विच शेप हैज़ द ग्रेटेस्ट पैरीमीटर आपने इसके आगे लिख के मुझे बताना है एंड विच शेप हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरीमीटर ठीक है इसका भी आपने मुझे लिख के बताना है ठीक है so, सो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है आपने इसको सॉल्व करना है और फिर आपने मुझे मेरे साथ शेयर करना है थैंक यू